हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम है रोजा खान, आप देख रहे हैं टेक बॉक्स। दोस्तों, मैं टेक न्यूज देते देते ये 25 लाख के चक्कर में कहां फंस गया, आप लोग यही सोच रहे होंगे। दोस्तों, आज सुबह मैं और मेरे दोस्त चाय पी रहे थे कहीं टपरी में। जी हाँ दोस्तों, हम लोग पांच वाला चाय पीते हैं, आप लोगों को पता ही है दोस्तों। तो हम लोग बातें कर रहे थे यार, पैसे कहाँ से कमाया जाए, कहीं से मिल नहीं रहा, यूट्यूब भी नहीं दे रहा, इस तरह की बात हो रही है दोस्तों। तो वैसे ही अचानक में दोस्तों ऐसा हुआ दोस्तों कि मेरे दोस्त के फोन पे एक कॉल आया, आईमो का नंबर था, और वो लोग बोले कि आप लोग 25 लाख रुपए जीत गए हैं। सारा इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए कि किस तरह आपको 25 लाख रुपए मिलेगा दोस्तों, वो लोग उसके बाद क्या किए कि एक व्हाट्सअप का नंबर दिए। जो आईमो से कॉल आया दोस्तों, वो ये नंबर आप देख सकते हैं, और जो व्हाट्सअप का जो हुआ दोस्तों नंबर, वो ये नंबर है। मैंने इसे चोर नाम से सेव किया, और अपने मोबाइल पे जो सेव किया चमार नाम से किया। कभी भी एक चोर चमार का कॉल आएगा तो हम देख सकते हैं कि इस तरह का कुछ है। उसके बाद दोस्तों बहुत सारी वॉइस मैसेजेस हुई, हम दोनों का बहुत विवाद चला दोस्तों। तो क्या क्या हुआ दोस्तों, वो लोग कैसे कैसे करते हैं, उसके बाद वो लोग क्या किए, बोले कि आपका एक लेटर नंबर दिए दोस्तों, एक कोड दिए 00022444, इस तरह करके नंबर मिला सर आपको। जी सर, 00022444। हाँ सर जी, व्हाट्सएप किया। जी हाँ सर, मैं कर दिया व्हाट्सएप। ओके सर, बिल्कुल आप 5 मिनट वेट करिए सर, मैं केबीसी में आपका मैसेज चेक करके कॉल करता हूँ, कितने का लॉटरी, फिर आगे की जानकारी मैं आपको समझा देता हूँ सर, 5 मिनट वेट करो। ठीक है, ओके सर, ओके ओके ठीक, ओके सर, ओके वेट कर रहे। उसके बाद क्या बोले कि ये व्हाट्सएप में आप सेंड करिए। तो व्हाट्सएप मैंने सेंड किया, तो वो आदमी ने क्या किया कि बोला ठीक है आप लोग 15 मिनट रुकिए, हम आपको चेक करते हैं, उसके बाद बताते हैं। तो वो लोग चेक किए, उसके बाद बोले कि हाँ ठीक है, सारा कुछ सही है, आप एक काम करिए, अपना बैंक अकाउंट डिटेल भेज दीजिए दोस्तों, और अपना आधार कार्ड नंबर दीजिए, बैंक अकाउंट नंबर दीजिए। तो दोस्तों मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि अपना गूगल खोला, गूगल में आधार कार्ड लिखा, आप देख सकते हैं आधार कार्ड लिखा, तो यहाँ पर बहुत सारे आधार कार्ड, फेक आधार कार्ड आ गए। उसमें से एक को उठाया दोस्तों, उसके बाद उसको सेंड, उसको क्रॉप किया बहुत ही अच्छा से, 2-3 फोटो मांगे थे। वो लोग इतने बड़े जाहिल हैं, बोलते हैं कि 3 फोटो दीजिए। अब एक ही फोटो को मुझे 3 बार सेंड करना पड़ा, क्या बोल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों वो जो आधार कार्ड है उसे क्रॉप करके मैंने भेज दिया। उसके बाद कोई भी फेक नंबर डाल दिया, यूनियन बैंक का और केनरा बैंक का IFSC कोड डाल दिया दोस्तों, ताकि टेंशन ना हो। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, वो लोग बोले, वो लोग तुरंत वेरिफिकेशन किए, वेरिफिकेशन करके इस तरह का कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह भेजे, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। उसके बाद वो लोग बीच बीच में मैसेज भी हो रहा था दोस्तों, वॉइस कॉल भी हो रहा था। तो वो वॉइस कॉल और वॉइस मैसेजेस वगैरह मैं आपको लास्ट में दे दूंगा कि आप सुनिएगा दोस्तों किस तरह का है। अभी आप क्या हुआ वो सुन लीजिए पहले। नमस्कार सर, कंपनी की तरफ से मैंने आपका काम बिल्कुल कंप्लीट और रेडीज कर दिया है। जो कंपनी ने हमें डॉक्यूमेंट दिया ना, मैंने व्हाट्सअप कर दिया, ये चेक करो, चेक करने के बाद वापस कॉल करो, आगे की जानकारी बता रहा हूँ कैसे बैंक में जाओ। उसके बाद दोस्तों एक तरह का वहां से दोस्तों एक वॉइस मैसेज आया, वॉइस मैसेज में ऐसे बोला कि कांग्रेचुलेशन जीत गए, ये वो आप सुन सकते हैं। सर आपने जो मुझे मैसेज सेंड किया है ना सर, वो मैसेज आपका मैंने इनामी लिस्ट में कंप्यूटर में चेक किया है, और आपका चेक पहुंचा है ऑलरेडी कंप्लीट होकर 25 लाख रुपए का। वेरी वेरी हैप्पी कांग्रेचुलेशन हमारे पूरे डिपार्टमेंट की तरफ से, आप और आपकी फैमिली को बहुत बहुत शुभकामना बधाई हो सर। सर ये लॉटरी ना आप खेले हैं, ना आप खरीदे हैं, ना आपके नाम पे चेक खुला, ये ओपन मेरिट पे कंपटीशन किया था, 5 कंट्री इंटरनेशनल लकी ड्रॉ करवाया था। जो लोग व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हैं, जो लोग मैसेंजर यूज़ कर रहे हैं, जो लोग फेसबुक चला रहे हैं, जो लोग ईमो यूज़ कर रहे हैं, इन कंपनियों के, इन ऐप के जो मालिक होते हैं, जो इन कंपनियों के ऐप के ऑनर होते हैं, ये KBC डिपार्टमेंट कौन बने महाकरोड़पति में ओपन मेरिट पे कंपटीशन करवाया जाता है। ठीक है, ये KBC डिपार्टमेंट कौन बने महाकरोड़पति में 10,000 से लेकर 25,000 सिम तक पब्लिक कुरंदाजी की थी, तो पब्लिक कुरंदाजी में आपका व्हाट्सअप नंबर शुमार था, आपका नंबर शालिबाग हुआ, कंप्यूटर ने आपके नंबर को उठाया है, 2.5 मिलियन 25 लाख रुपये का बिग प्राइज लॉटरी आपके नंबर पे सिलेक्ट विन हो चुका है, जो आपको लॉटरी का पैसा प्रम्प्ट रिसीव कैश आउट होगा सर। लॉटरी का पैसा लेने के लिए, कैश करवाने के लिए आपको कंपनी की तरफ से, हुकूमत की तरफ से ऑप्शन ये मिला है कि आपका किसी भी बैंक में बैंक अकाउंट नंबर चालू है, तो आप मुझे वेरीफाई कर सकते हैं कि सर मेरा इस बैंक में खाता चालू है, और ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में सर ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो सर आप ऐसा कीजिए, अपना नाम, अपने बैंक का नाम, अपना बैंक अकाउंट नंबर, अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो और अपना आधार कार्ड, ये फ़ौरन से मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए, ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स बनाए जाएँ और आपके नाम की डिटेल्स एक्टिवेशन तैयार की जाए, और आपका पैसा आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन किया जाए। तो फिर आपने अपने बैंक जाना है, अपने बैंक जाकर आपने अपना पैसा चेक करना है, और आपने चेक करने के बाद 2-4 लाख रुपए निकलवा कर हमें कमबैक कॉल लगाकर थैंक यू बोल देना कि आकाश वर्मा थैंक यू, पैसा आ चुका है और हमने पैसा रिसीव कर लिया। गरीब आदमी हो, माता पिता की दुआओं के कारण आप जीते हैं 5 कंट्री इंटरनेशनल लकी ड्रॉ ओपन मेरिट कॉम्पिटिशन के कारण, बिग प्राइज़ के आप मालिक बन चुके हो,
भगवान ने एक आपको अपनी लाइफ बदलने का, एक आपको अपनी ज़िंदगी संवारने का बहुत बड़ा मौका दिया है, जो आज जो आप और आपके परिवार वाले सब खुशियों का सामना करने वाले हैं। भगवान ऐसे मौके बार बार नहीं देगा, भगवान की कृपा हो चुकी है, माता पिता की दुआओं के कारण आपको इतना बड़ा मौका मिला है। लाइफ में ऐसे मौके बार बार नहीं मिलेंगे, भगवान ने अगर ये मौका दिया तो इसे ज़ाया नहीं करना है, आपको जैसा कहा जाए उसी पे फॉलो करना है और लॉटरी का पैसा प्रम्प्ट करना है। लॉटरी के बारे में पब्लिसिटी, शोबाजी, ढिंडोरा बिल्कुल नहीं पीटना है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप खुशी के मारे लॉटरी के बारे में पब्लिसिटी शोबाजी कर देते हैं तो आपकी सिम को कंप्लेन में बंद करवा दे, या आपके नंबर का कोई ऑट व्यक्ति व्हाट्सअप चुरा ले या व्हाट्सअप अपने नंबर पे बना ले तो आपका लॉटरी का पैसा वो ऑट व्यक्ति भी प्राप्त कैश करवा सकता है, क्योंकि ऐसा पहले भारत देश में 2 मरतबा हो चुका है कि लॉटरी किसी और का होता है और कैश कोई और करवा लेता है। और इसके कारण कि लोग खुशी में आकर बता देते हैं, इन उनको पता नहीं चलता है, उनकी सिम रिप्लेस डुप्लीकेट हो जाती है। तो प्लीज़ काइंडली रिक्वेस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये आपके लिए रिक्वेस्ट है, आपने लॉटरी के बारे में पब्लिसिटी शोबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। जब तक आपका लॉटरी का पैसा आपको प्राप्त नहीं होता है तब तक लॉटरी के बारे में आपने सावधान रहना है। इज ओके सर, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, आप अपने डॉक्यूमेंट्स डिटेल सेंड कीजिए, सेंड करने के बाद आप मुझे कॉल लगाइए, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। आप लोगों ने सुन लिया होगा दोस्तों कि ये किस तरह का है, यहाँ पर धमकी भी दिया जा रहा है और बताया भी जा रहा है कि किसी को ना बोले, किसी को ना करे, कोई भी व्हाट्सअप किसी का भी कैसे भी बना सकता है बिना उसके इजाज़त के, इस तरह की बातें भी हो रही है। छोड़िए, वो सब जो चीज़ होते रहेगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों एक मैसेज आया, वहाँ पर जब मैंने दे दिया तो वहाँ पर लिखा नीचे में आया कि अपना जो नाम है दोस्तों डॉक्यूमेंट में, आधार कार्ड में, उसको इंग्लिश में लिखिए। तो इंग्लिश में मैंने लिख दिया, क्योंकि वो लोग जाहिल हैं, उन लोग को पढ़ने नहीं आ रहा है, उन लोग को डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करना है और बनाना है। तो वो लोग दोस्तों क्या किए, मैंने दिया। उसके बाद मुझे बोला गया कि आधा घंटा रुकिए, आधा घंटा मैंने रुका, आधा घंटा वेट किया दोस्तों। उसके बाद वो लोग कुछ फोटोज़ भेजे दोस्तों, आप स्क्रीन में देख सकते हैं किस तरह का फ़ोटोज़ है दोस्तों, वो ऑफिस वगैरह के दिया, और कुछ वीडियोज़ भी भेजे। वीडियोज़ भेजने के बाद क्या हुआ दोस्तों, वीडियोज़ भेज दिए, सारा कुछ भेज दिए। उसके बाद क्या हुआ कि वीडियोज़ में बहुत सारे करोड़पति का दिखा रहा है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं वीडियोज़ किस तरह का। उसके बाद बात करते हैं, चेक रेडी हो रहा है सर, ये देख ले सिस्टम के ऊपर लगा हुआ है, आपका ही चेक है, 25 लाख रुपये की अमाउंट आपकी मैं यहाँ से ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, आपका चेक अभी आपके नाम पे रजिस्टर्ड कर, ये 25 लाख रुपये का चेक है, ये अच्छे तरीके से देख ले सर। इस ये सभी ऑफिसरों ने स्टंप लगाकर मुझे दे दिया, मैंने अभी सिस्टम के ऊपर लगा लिया है, अभी मैं नमस्कार, मेरा नाम साची अख्तर खान है, मैं KBC कौन बनेगा करोड़पति के मालिक अमिताभ बच्चन जी का धन्यवाद करती हूँ। मैं बहुत ही गरीब और मैंने किसी भी तरह से पैसा इकट्ठा किया है, 12,200 रुपये जमा कर दिए और मेरा खाते में 25 लाख रुपए आ गया है। इसकी वजह से हमें कोई पैसा देने के लिए तैयार नहीं था, और इसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आकाश वर्मा जी हमें ही बहुत सब कुछ ये किए, और इनके वजह से मैं सबका बहुत ही धन्यवाद करना चाहती हूँ, और मेरे खाते में 25 लाख रुपये आ गया है। इसके वजह से मैं आकाश वर्मा को और सबको नमस्कार धन्यवाद सबका करते हैं। हम KBC कौन बनेगा करोड़पति, हम उनको धन्यवाद करना चाहते हैं, आकाश वर्मा को। हमने 12,200 रुपये लगाया था, तो वो पैसे हमको मिल रहे हैं, अब हम वो पैसे निकालने वाले हैं। अब सबके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। KBC करोड़पति हमेशा ऐसे ही सब गरीबों को मदद करते रहे और उनकी कंपनी का नाम रोशन रहे। हम बैंक के अंदर से बोल रहे हैं, हम बहुत गरीब लोग हैं, सबके लिए दुआ करेंगे। पैसे आप 1 घंटे में हमको कुछ को पैसे हमको मिलने वाले हैं, मेरे पिता को और हमको। अभी अभी हम आए हैं, पूछा नहीं, बोला बोल रहे हैं, धन्यवाद। ये तो मैंने उसके ऊपर वाला देखे 932 है, हाँ जी नमस्कार भाई, ये देखें आप लोगों का ये चेक है डायरेक्ट कस्टमर, ये जो कि गवर्नमेंट से अभी कंप्लीट करवाया जाएगा, जैसे आप भारत सरकार का इनकम टैक्स जमा करेंगे तो ये कंप्लीट करवाकर आपके नाम पर करवाकर आपका पैसा आपका जो है वो ट्रांसफ़र इधर से कर दिया जाएगा। ये उन लोगों के चेक है जिन्होंने अपना टैक्स जमा करवाकर अपना जो है डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवा लिए है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये फैले हैं, तो डायरेक्ट कस्टमर ये फैले भी आपकी कंप्लीट करवाई जा रही हैं भारत सरकार से, तो बाकी सारा काम आपका कंप्लीट है। ये फॉर्म है आपका जहाँ पर आपका अकाउंट नंबर और नाम
लिखकर आपके अकाउंट में जो पैसा ट्रांजैक्शन किया जाएगा 25 लाख की अमाउंट जो इधर से जमा की जाएगी। तो डियर कस्टमर ये आपको जो है ये सारी डॉक्यूमेंट्स चेक करवाई जा रही है। तो डियर कस्टमर ये आपको जो है टैक्स बोला जा रहा है, ये जैसे ही आप फास्ट में जमा करेंगे जमा करवा कर अपना जो है काम करवा सकेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों वीडियो देख लिया होगा कि वीडियो किस तरह का है, कैसा है दोस्तों। उसमें अंबानी जी को भी नहीं छोड़ रहे ये लोग। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा, ये करोड़पति करते करते ये अंबानी के पीछे कैसे पहुंच गए, मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। ये अमिताभ बच्चन करोड़पति में तो अमिताभ बच्चन है, अंबानी तो नहीं है। अब मुकेश अंबानी बात कर रहे हैं जियो के बारे में वहां पर, और ये लोग बात कर रहे हैं कि पैसा कैसे कैसे ट्रांसफर किया जाए। तो इस तरह का कुछ बातें हो रहा है दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ लास्ट में दोस्तों, मैंने सारा कुछ भेज दिया, सारा डॉक्यूमेंट भेज दिया। उसके बाद जो बात हुआ दोस्तों वो मैंने सुन लिया। मैंने एक करोड़ मैं वो लोग बोले कि पैसा भेजते हैं, इस तरह का बहुत सारा बात किया दोस्तों। लेकिन उसके बाद मैंने उन्हें ऑफर रखा कि कुछ सिक्योरिटी वगैरह दीजिए, कहीं आप लोग पैसा नहीं भेजे 25 लाख रुपए, तो मेरा 12,000 भी डूब जाएगा। तो वो लोग दोस्तों बोलते हैं इतने बड़े अमाउंट आप जीत रहे हैं, 12,000 देने में ऐसा टेंशन है, ये वो बहुत सारी बातें हुई। गाली गुप्ता तक उतर गए दोस्तों। मैंने भी बका, वो लोग भी बका, मेरा छोड़ छोड़ दीजिए, मेरा सुनेंगे तो थोड़ा टेंशन होगा, वो लोग का आप सुन सकते हैं थोड़ा बहुत है दोस्तों, तो वीडियो के एंड में सुन सकते हैं। तो इस तरह का जो फ्रॉड है दोस्तों इंडिया में हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि इस तरह का फ्रॉड पे ध्यान मत दीजिए दोस्तों। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा कि आज के डेट में कोई अपना बदन का मैला नहीं देगा दोस्तों। तो 25 लाख रुपये बहुत ही बड़ी रकम होती है, और दोस्तों ये लोग जो करते हैं ये पता नहीं कैसे होते हैं और किस तरह के होते हैं और ये काम करते हैं। तो दोस्तों इस चीज़ से बचिए, क्योंकि हमारा डेटा वगैरह बहुत सारा लीक हो रहा है दोस्तों। आप लोगों को मैं बार बार बताता हूँ कि फ़ोन नंबर कैसे इनके पास पहुंच जाता, आप लोग ये सोचते होंगे कि आपका मोबाइल नंबर कैसे पहुंच जाता, आपका ये कैसे पहुंच जाता, डॉक्यूमेंट कैसे पहुंच जाता। तो आजकल नेट में सारा कुछ अवेलेबल है। मैंने स्टार्टिंग में दिखा दिया कि गूगल से मैंने आधार कार्ड डाउनलोड किया, तो इस तरह का चीज हो रहा है दोस्तों। इसलिए मैं बोलना चाहूंगा कि प्लीज दोस्तों सिक्योर रहिए, सतर्क रहिए। और दोस्तों ये वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करिए, और अपने मेहमान है तो चैनल सब्सक्राइब करिए। सारी घटनाओं से मैं आपको बचाऊंगा दोस्तों, और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारा टेक न्यूज़ आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं, ये वॉइस मैसेज आप सुन लीजिए किस तरह की बातें हुई। चलिए दोस्तों तब तक के लिए बाय। हाँ सर वो तो मिल गया है। तो आपको नंबर मिला है कंपनी का जिसमें 12,000 जमा करना है का? जी सर वो भी मिल चुका है मुझे। अभी ये बताएंगे कितने समय तक आप लोग जमा करेंगे? मैं यहाँ से चेक आपका क्लियर करा रहा हूँ और आपका पेमेंट क्लियर करा रहा हूँ, कितने समय तक जमा करेंगे आप लोग? जी सर वो तो जमा कर देंगे सर, मगर सर इसमें कुछ प्रूफ वगैरह तो होना चाहिए ना कि हम आपको 12,000 दे रहे हैं। प्रूफ तो होना चाहिए ना सर कुछ कि 12,000 हम दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि 12,000 लेके हम गायब हो जाए सर। जूता फेंका जूता फेंका आपको? अब सर ऐसा हजारों वीडियो तो हम भी बना सकते हैं सर। ओ सर क्या बोल रहे हैं आप, सब तो चोर है ऐसा तो जी क्या? हाँ शाम जी 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 ऐसा वीडियो आपको शाम तक मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। हाँ हाँ एकदम शाम तक मिल जाएगा सर, लिंक मिलेगा आप लोगों को शाम तक, लिंक मिल जाएगा। हेलो हाँ सर बोल रहे हैं कि 12,000 जो भेजने के लिए बोले हैं तो उसका कुछ क्लियरेंस तो चाहिए सर। इतना बड़ा पेमेंट है आप लोगों का, हम आपके साथ कोई चीटिंग बाजी करेंगे? तो सर आज की डेट में और कल की डेट में देखो मेरी बात सुने जी, ये आज की डेट में 17 तारीख और 16 तारीख को, यानी कि कल की डेट में आज की डेट में इन कस्टमर को मैंने क्लियर किया, इनकी रसीदी इनकी वीडियो मैंने भेजे। अच्छा जो कस्टमर को आप भेजे है उनका कुछ व्हाट्सएप नंबर वगैरह दीजिए, आपके पास तो होगा, वीडियो कॉल में हम बात करते हैं। कैसे इंसान है आप लोग, इतना बड़ा पैसा किसी का नंबर 12,000 को 12,000 कोई यूं ही नहीं आता ना, 12,000 तो जी हम आपसे कोई जबरदस्ती कर रहे हैं? नहीं जबरदस्ती नहीं कर रहे ना, तो कॉल कर रहे ना आप लोग कॉल किए हैं ना, जमा नहीं करना चाहते, जमा की बात नहीं, आप लोग बोल रहे 12,000 भेजने के लिए तो कुछ क्लियरेंस रहना चाहिए ना कि प्रूफ कि अगर पैसा नहीं आया 25 लाख रुपए मेरे अकाउंट में तो 12,000 का वापस होगा नहीं होगा, ऐसा कुछ होना चाहिए ना। यार भैया ऐसी बात नहीं है, आपका एक पैसा भी हमारे लिए और हमारी कंपनी के लिए हराम है। अच्छा। कि आप लोग गरीब आदमी छोटा मोटा पेमेंट नहीं है। हाँ वो बात है, जमा कर रहे हैं इनको पैसा नहीं मिल रहा है तो सर वो वही बात तो बोल रहे ना। हाँ तो वही बात हो रहा है ना, आप लोग कुछ ये तो बता दीजिए कुछ अपना।
एड्रेस वगैरह बताइए कुछ के हाँ ये एड्रेस अगर नहीं मिलेगा तो यहाँ के ले लीजिएगा, ऐसा कुछ रहना चाहिए ना। आपको कहाँ से करेंगे? नहीं इतने डॉक्यूमेंट मैंने दिया है, हम एक करोड़ सुनिए तो हम 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, आप 50,000 रुपए मेरे अकाउंट में लगाइए, चलिए हम भी दे रहे हैं आपको लगाएंगे। चुप।